अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 मरले का ब्रांड न्यू घर। घर की लोकेशन की बात करें तो सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम मेन फिरोजपुर रोड ए ब्लॉक में घर लोकेटेड है। घर बहुत ही हॉट लोकेशन पे है। घर की जो लोकेशन है वो ए ब्लॉक है और बिल्कुल ही पार्क के नज़दीक है। घर की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो देखने वालों से गुजारिश है कि मुकम्मल वीडियो वॉच कीजिएगा। इसी वीडियो के दौरान मैं इसकी प्राइस, इसका इंटीरियर डिज़ाइन और इसकी फ्लोर प्लान आपके साथ शेयर करूंगा। घर की लोकेशन के बारे में आपको बताऊँ तो ये ए ब्लॉक में बिल्कुल ही पार्क नज़दीक है। मिड में पार्क आ रही है और बिल्कुल ही चंद कदम के फासले पर आपको ये घर मिलता है। और इसके साथ ही आपको मेन फिरोजपुर रोड का व्यू दिखाता हूँ। तो ये सामने आपको मेन फिरोजपुर रोड का व्यू दिखाया जा रहा है। बिल्कुल ही मेन के करीब है ये घर और यहाँ पर आपको तमाम यूटिलिटीज़ मिलती हैं। घर अभी ब्रांड न्यू तैयार किया जा रहा है। बहुत सारा काम अभी होने वाला है इसमें कंस्ट्रक्शन का, जिसमें अभी पेंट वगैरह हो रहा है और बाकी मोज़ेक का काम होने वाला है। घर के अंदर की तरफ चलते हैं तो ये इसका मेन रोड है, 30 फुट का कारपेट रोड है इसके सामने से गुजरता। और ये इसका फ्रंट एलिवेशन इसे रॉक वॉल के ज़रिए बनाया गया है। यहाँ पे आप अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं और सामने मोज़ेक का काम अभी होने वाला है। आप देख रहे हैं कार रैंप पे टाइल वर्क किया गया है। दरवाज़ा बहुत ही खूबसूरत तैयार किया गया है इसका। ये इसकी मेन पार्क का आप व्यू देख रहे हैं। घर के कारपोच एरिया में आते हैं तो यहाँ आप एक छोटी गाड़ी आराम से इजीली खड़ी कर सकते हैं। ऊपर कारपोच एरिया का सीलिंग डिज़ाइन जिसमें रोप लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे मोज़ेक का काम किया जाएगा। सामने स्ट्रीट छोड़ी जाती है 5 फुट की एलडी रूल्स के मुताबिक। यहाँ पे सेपरेट डोर दिया गया फर्स्ट फ्लोर को और ग्राउंड फ्लोर को। यहाँ पर आप रेंट आउट भी कर सकते हैं घर को ईज़िली। जो घर के डोर हैं वो सॉलिड वुड के डोर इस्तेमाल किए गए हैं और जहाँ पे CNC 3D डिज़ाइनिंग की गई है इनके ऊपर। घर के लिविंग एरिया में हम आ चुके हैं। ये घर का लिविंग एरिया है जहाँ सामने आपको LED पॉइंट्स मिलता है और ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं जिसमें रोप लाइट्स का। यहाँ पे अभी वॉलपेपर्स का काम होने वाला है। ये साथ इसका ओपन ड्राइंग रूम है जहाँ पर आपको विंडो मिलती है सेफ्टी ग्रिल के साथ। ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको तमाम यूटिलिटीज़ मिलेगी। नीचे आप देख रहे हैं फ्लोर पे टाइल वर्क किया गया है, 2x2 की टाइल का इस्तेमाल किया गया है। और साथ यहाँ पे आपको एक मास्टर बेडरूम मिलेगा और एक किचन। फर्स्ट फ्लोर पे आपको 2 मास्टर बेडरूम मिलेंगे और एक किचन ओपन मिलेगा। यहाँ पे आपको किचन का व्यू दिखाया जा रहा है जहाँ पर कैबिनेट्स का इस्तेमाल किया गया है, किचन हुड का इस्तेमाल किया गया, बर्नर का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। और ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन, एग्जॉस्ट फैन की जगह छोड़ी गई है और विंडो का इस्तेमाल किया गया है सेफ्टी ग्रिल के साथ। और यहाँ पे आपको डोर दिया जाता है पीछे 5 फुट की स्ट्रीट जो LED रूल के मुताबिक छोड़ी जाती है। यहाँ पे मोटर इंस्टॉल की गई है और पीछे का व्यू आप देख रहे हैं। घर की लोकेशन बहुत ही हॉट है और मेन जो फिरोजपुर रोड है उसके बिल्कुल करीब है। सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम ए ब्लॉक में घर लोकेटेड है। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है जहाँ पे अभी काम होने वाला है इसमें वॉलपेपर्स का। ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन है। 3 डोर कबर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। विंडो आपको सेफ्टी ग्रिल के साथ मिलती है इस रूम की और इसके साथ आपको अटैच वाशरूम मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शावर का इस्तेमाल किया गया, वेंटी का इस्तेमाल किया गया और हाइटी टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ये आपको 3 डोर कबर्ड्स दिखाई है। और साथ ही इस फर्स्ट फ्लोर की तरफ हम चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर का जो विज़िट है वो मुकम्मल हुआ। ये सीढ़ियों के नीचे गैलरी के एक बनाई गई है। यहाँ पे सीढ़ियों पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप सेपरेट कर सकते हैं। सीढ़ियों पे आप देख रहे हैं ग्रेनाइट मार्बल ब्लैक जेट का इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट फ्लोर पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको LED पॉइंट्स मिलता है और इसके साथ ही आपको ओपन किचन मिलता है। इसे आप इसे TV लॉन्च और साथ ही ओपन किचन आपको यहाँ पे मिलता है। ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन, किचन में आप देखा है कि कबर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, किचन हुड का इस्तेमाल किया जाएगा और बर्नर इंस्टॉल किया जाएगा। शावर एरिया रखा गया है यहाँ पे। इसके साथ ही ऊपर जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ दी गई हैं। ये ऊपर का सीलिंग डिज़ाइन और यहाँ पर आपको 2 बेड की कम्बिनेशन मिलेगी। यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम में दाखिल होते हैं। यहाँ पे आपको 2 सेफ्टी ग्रिल के साथ विंडो मिलती हैं। ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन मिलता है और साथ आपको यहाँ पे जो है
थ्री डोर कबर्ड्स मिलेंगी जो कि लैदा बनाई गई हैं, और इसके साथ ही अटैच वाशरूम। वाशरूम में चलते हैं तो कमोड का इस्तेमाल किया गया है और टाइल्स का आप देख रहे हैं इस्तेमाल किया गया है वेंटी, और इसके साथ ही आपको टेरेस पे लिए चलता हूँ। यहाँ पे छोटा सा टाइल्स छोड़ा गया है, ये बाहर का व्यू देख रहे हैं। मुकम्मल 12 ब्लॉक है और थोड़े से यहाँ पे प्लॉट खाली हैं। ये सेकंड बेडरूम में हम दाखिल होते हैं फर्स्ट फ्लोर के, और ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन। यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया कि वॉलपेपर्स का काम होने वाला है, ये बनते हुए ही घर सेल हो जाता है। बहुत ही कम सेंटर पार्क हाउसिंग स्कीम में घर है जो 5 मरला की कटिंग है, बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पे आपको 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल की ज़्यादा कटिंग मिलेगी, 5 मरला जो की जो कटिंग है वो बहुत ही कम है, वो आपको ए ब्लॉक में मिलेगी। यहाँ थोड़ी सी आपको बी ब्लॉक में मिलेंगी और इसके अलावा आपको डी ब्लॉक में मिलेगी। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे आपको एक कमरा मिलेगा जो अच्छे गैलरी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे टेरेस बनाया गया छोटा सा, और इसके साथ ही इसकी जो छत पे हम आ चुके हैं, बाहर का व्यू देख सकते हैं कि मेन पार्क है, यहाँ ब्लॉक की मेन पार्क है, और इसके साथ ही बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ तो मेन से बिल्कुल ही करीब है। घर बहुत ही मुनासिब प्राइस में यहाँ पे मिल रहा है, 1,45,00,000 रुपये इस घर की डिमांड है। इसमें निगोशिएबल हो सकता है, आप इसकी ऑफ़र दे सकते हैं कॉल करके या मैसेज करके। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है और आपकी स्क्रीन पर भी नंबर शो हो रहा है, आप कॉल करके आ सकते हैं विज़िट के लिए। इसके अलावा भी हमारे पास सेंटर पार्क हाउसिंग स्कीम में 3 मरला, 5 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल के घर अवेलेबल हैं, फॉर सेल हैं। आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप विज़िट के लिए भी आ सकते हैं, और कॉल करके आप बाकी जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इस घर के बारे में वो भी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।